अपने एस ब्लॉग एस पर, जो कि 1998-99 में यूएसए से इंपोर्ट हुआ था। मैंने यहाँ पे ये रेड डिलीशियस के बगीचे पर टॉप वर्क करके तैयार किया है। भाइयों, इसकी खासियत ये है कि इसमें काफ़ी सारे दाने लगे हुए थे। इस साइज के दाने मैंने 1 अगस्त 2020 को तोड़कर मार्केट में बेचे और उसके ऊंचे दाम मुझे मिले। ये बाकी बचा फ्रूट अब जबकि मंडी में बहुत ज़्यादा सस्ता आ चुका है, मुझे बहुत ही अच्छा दाम देगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी आप देख रहे हैं, इसका साइज, शेप, प्रोमिनेंट लोब्स हैं और कलर बहुत ही ब्यूटीफुल। और आज हम इसको छोड़ कर जो है अहमदाबाद की मंडी के लिए 2 दिन के बाद रवाना करेंगे। तो जब मार्केट में अमूमन स्लम पाता है, ये देखा ही गया है, मुझे भी लगभग 50 साल हो गए इस इंडस्ट्री में अपना समय देते हुए, कि सितंबर के महीने में हमेशा ही चाहे फसल कम है तब भी स्लम आया है मार्केट में, ज़्यादा है अब तो वाजिब है कि आएगा ही। ऐसे में हमारे पास बहुत ही बेहतर क्वालिटी का जो फ्रूट होगा उसकी डिमांड आज भी है, और मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी ऊंचे दाम में ये बाहर की मंडियों में बिकेगा। तो किसान भाइयों, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन हाइट्स के लिए जहाँ पर जो है साइज की प्रॉब्लम रहती है और डिलीशियस, वहाँ इसका संवर्धन किया जा सकता है। एक बार तो अगस्त में भी पैसे ले चुका ना मैं, तो बहुत महंगे रेट में देखा था, छोटा सा 7 लेयर निकाला, इससे रंग भी कम था क्योंकि रंग इसमें लेट आता है, इसलिए हमने इसको छोटा जो फ्रूट था वो छोड़ दिया। और आज मार्केट लार्ज मीडियम के भी वो दाम नहीं मिल रहे हैं जो उस समय 7 लेयर में, बेहतर क्वालिटी होने की वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसमें भी अच्छा पैसा देंगे। एस पर के जो बड स्टिक है वो मैंने श्रीमान हरिचंद रोज जो सरोगा थाना धार के रहने वाले हैं उनसे ली थी, और उनके बगीचे में पिछले महीने गया था, उनके पास तो ओरिजिनल प्लांट जो यूएसए से इंपोर्ट हुआ था वो था, लेकिन मैंने ये टॉप वर्क करके इस तरह के पौधे बनाए। अब हम रीजन करेंगे उस फ्रू प्लांट का और इसका, क्योंकि ये सीडलिंग पर है वो MM106 पे है, अब देखना है कि क्वालिटी में कितना डिफरेंस है, क्योंकि मुझे वो भेंट कर गए थे जब मैं थानेदार था 5 दाने, तो अभी भी मेरे पास इंफेक्ट है, अब इसकी क्वालिटी सारे कंपेयर कर, वो आने वाले समय के लिए किसानों के लिए बेहतर से बेहतर वैरायटी क्या हो सकती है, इसका जो है काम जारी रहेगा।
इस पर मार्ग में जाने के लिए तैयार। ये पहला सैंपल और पहली कंसाइनमेंट कल चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी।